पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को और वहां पे इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक ममता जी ने पोस्टर लगाए हैं, कटआउट लगाए हैं, वहां की मेरी पार्टी के पास पैसा कम है, इनके पोस्टर और बैनर से मेरा काफी प्रचार हुआ है। मैं मानता हूं कल काफी भीड़ आएगी, और आएगी तो ये बैनर के कारण ही आएगी। दूसरी बात, जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, चुनावी प्रक्रिया में जग जाहिर है, मीडिया के कई चैनलों ने दिखाया है। काउंटिंग के अंदर वोट पर थप्पे लगाने की प्रक्रिया मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में जो कोई बहुत कम नहीं है, लगभग 40 साल का है, मैंने पहली बार देखी। किसी को पर्चे न डाल दिए जाए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर देना पड़े कि व्हाट्सएप पर नॉमिनेशन लो। खैर, हर बात की एक अंत होता है, जब जनता तय करती है कि इसमें परिवर्तन लाना है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। आपको लगता है कि भूमिका बन चुकी है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन? निश्चित रूप से बन चुकी है। 2019 के काउंटिंग में आप देख लेना, 2019 में बंगाल में हम 22 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर बंगाल के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बने। टीएमसी से आगे निकल जाए जी,